तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान के कल डे 15 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है। तो अभी बात करेंगे कल पूरे दिन कैसी क्या ग्रोथ रही है, कितनी कमाई इसने हिंदी से करी, कितनी कमाई अभी तक तेलुगु से कर ली है, और पहले 15 दिन में ये मूवी कितना नेट इंडियन कलेक्शन कर चुकी है, पूरी दुनिया से कितनी कमाई कर चुकी है, टोटल तमिल तेलुगु से ये मूवी कितना कलेक्शन कर चुकी है, मतलब एक रिकॉर्ड क्रिएट होने जा रहा है। यहाँ पर कोई मूवी ऐसा कर ही नहीं पाई थी आज तक, साउथ से कोई भी हिंदी मूवी या बॉलीवुड मूवी इतनी बड़ी कलेक्शन कभी नहीं कर पाई। लाइफ टाइम कलेक्शन किसी भी बॉलीवुड मूवी का होता था, चाहे आप दंगल ले लो, चाहे आप बजरंगी भाईजान ले लो, चाहे आप सुल्तान ले लो या फिर वॉर ले लो, इन सब का कलेक्शन मात्र 15 से 20 करोड़, ज्यादा ज्यादा 25 करोड़ इसी में लाइफ टाइम कलेक्शन में ये सिमट कर रह जाता था। लेकिन मूवी जवान ने 15 दिन के अंदर ही 50 करोड़ का प्लस कलेक्शन कराया है सिर्फ साउथ से। तो मूवी ने कल पूरे दिन में कल कितनी कमाई करी हिंदी से, 7.25 करोड़ की कमाई करी है सिर्फ हिंदी से, सिंगल डिजिट में आ गई है ये मूवी। हाँ, डिप देखने को मिल रहा है, वर्किंग डेज में डिप देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भी फिल्म क्यों ना हो वर्किंग डेज में वो डिप खा ही जाती है। चाहे आप बाहुबली 2 ले लीजिए, चाहे आप KGF 2 ले लीजिए, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी मूवी उठा के देख लीजिए, सैटरडे संडे को हमेशा ग्रोथ हाई रहती है, लेकिन जब वर्किंग डे जाते हैं मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पर ग्रोथ डिप जाती है, यहाँ पर ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो तमिल तेलुगु से कल मूवी ने 70 लाख का कलेक्शन किया था और टोटल नेट कलेक्शन अब हो जाता है 7.95 करोड़, यानी कल टोटल नेट इंडियन कलेक्शन मूवी का रहा है 15वें दिन में 7.95 करोड़ का। देखा जाए तो एक 15 दिन पुरानी मूवी के लिए ये भी कोई बुरा आंकड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छा जबरदस्त कलेक्शन है देखा जाए तो। और पूरी दुनिया से कल 15वें दिन में कमाई करी है फिल्म ने 15 करोड़ की, भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, डबल डिजिट में अभी भी ग्रोथ कर रही है मूवी। हालांकि ऐसे टाइम पर जब मूवी 12 से 13 दिन पुरानी हो जाती है तो सिंगल डिजिट में आ जाती है, लेकिन जवान अभी भी डबल डिजिट में ग्रोथ करते नजर आ रही है पूरी दुनिया के कलेक्शन के मामले में। तो अब पहले 15 दिन में मूवी की कमाई सिर्फ हिंदी से कितनी हो चुकी है, 473.44 करोड़, यानी 473 करोड़ ही मान के चलो का सिर्फ हिंदी से कलेक्शन कर चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब ये मूवी 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाएगी, भाई साहब अमेजिंग ह्यूज कलेक्शन। और यहां तक KGF 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को मूवी खदेड़ चुकी है जो 435 करोड़ का था। और आने वाले समय में गदर 2, बाहुबली 2 और क्या कहते हैं पठान की हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को भी ये मूवी खदेड़ देगी और बहुत ही जल्दी खदेड़ देगी बाय गॉड। और तमिल तेलुगु से पहले 15 दिन में मूवी ने 54.95 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर लिया है, मात्र 5 लाख रुपए कम रह गए इसको 55 करोड़ होने में कल एंड ऑफ द डे तक। लेकिन आज 16वें दिन में ये आंकड़ा तमिल तेलुगु से 55 करोड़ प्लस हो जाएगा। तो आप फिलहाल के लिए 55 करोड़ ही मान के चलो इसका ह्यूज कलेक्शन 15वें दिन के एंड तक तमिल तेलुगु से। तो पहले 15 दिन में अब नेट इंडियन कलेक्शन कितना हो चुका है मूवी का, 528 करोड़, भाई साहब ह्यूज कलेक्शन। मैं फिर कह रहा हूं नेट इंडिया से बहुत बड़ी कलेक्शन हो चुकी है ये अभी तक की, मात्र 15वें दिन में ही मूवी 528 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है ये नेट इंडिया कलेक्शन से, जबकि बहुत सी मूवीज के ये लाइफ टाइम कलेक्शन होते हैं। इवन मैं यहां कहूंगा कि नेट इंडियन कलेक्शन जितना इसने करा है, चेन्नई एक्सप्रेस की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग 500 करोड़ से नीचे थी। तो जबरदस्त है नेट कलेक्शन ही इतना जबरदस्त फाड़ू आ रहा है मात्र 15 दिन में, और अभी तो ये आंकड़ा और भी बढ़ते जाएगा क्योंकि मूवी मैं मान के चल रहा हूं आगे आने वाले टाइम में कोई है ही नहीं टक्कर में, तो 15 से 10 दिन और ये थिएटर में राज करके जाने वाली है, लगभग 30 दिन तो ये चलनी ही चलनी है। और पूरी दुनिया से कलेक्शन की बात करें तो पहले 15 दिन में जवान ने कर लिया है 937 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, भाई साहब बहुत जबरदस्त कलेक्शन करा है। और मैं मान के चल रहा हूं कल सैटरडे एंड तक ये मूवी 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेगी या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 या फिर 5 करोड़ के आंकड़े से रह जाएगी, लेकिन संडे जब एंड होगा तो ये मूवी 1000 करोड़ प्लस में दिखेगी ही दिखेगी। मंडे को ये आंकड़ा हमको 1000 करोड़ का दिखेगा पूरी दुनिया से लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में पहले 18 दिन में ही। अभी आज हम बात कर रहे हैं कल की रिपोर्ट के बारे में, कल डे 15 की रिपोर्ट के बारे में। तो मूवी जबरदस्त ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है, वर्किंग डेज में भी अच्छी कमाई देखने को मिल रही है, लेकिन कल सैटरडे है और संडे है तो इन दोनों दिन में तो और जबरदस्त ह्यूज कलेक्शन आना चाहिए और आएगा ही। तो आप लोगों का क्या कहना है कि संडे तक ये मूवी 1000 करोड़ प्लस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।